please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. न्यूज 18 इंडिया के कार्यक्रम बैठक में बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस पर खुलकर बात की और दलील दी कि असम में मौजूद घुसपैठियों को देश में रहने का हक नहीं। मैं मानता हूं कि इस देश में जो घुसपैठी हैं, उनको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की भी सोच है। हमने हिम्मत दिखाई है, NRC बनाया है, 40 लाख लोग पहली सूची में नहीं है, यही बताता है कितनी बड़ी मात्रा में घुसपैठिए घुसे हुए हैं। और ये 40 लाख लोगों को भी सुप्रीम कोर्ट की स्कीम के तहत हम मौका देने वाले हैं, असम सरकार मौका देगी। मगर ये सब बात करने के बाद भी जो अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर सकते हैं, मैं मानता हूं कि उनको इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा देने का अधिकार नहीं है। न्यूज 18 इंडिया की कार्यक्रम बैठक में AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने NRC मुद्दे पर 40 लाख लोगों को घुसपैठिया बोले जाने पर एतराज जताया। मेरा मानना यह NRC में कि सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में सेक्शन 6 के बारे में जब तक डिसाइड नहीं हो जाता कि सेक्शन 6 कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, वरना आप अगर सुप्रीम कोर्ट कल डिसाइड करेगा, जो लिमिटेड नॉलेज मुझे है कि सेक्शन 6 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो फिर ये 1200 करोड़ का क्या करेंगे जो इतना खर्च हो गया। और दूसरी बात ये है कि घुसपैठी नहीं है ये लोग, क्योंकि सरकार ने खुद नहीं कह रही है, अमित शाह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो उनको आसान है कि 15 लाख के बजाय 40 लाख बोल दो, उनके लिए आसान है। मुंबई के समंदर में मिली एक मछली ने दो मछुआरे भाइयों को रातों रात लखपति बना दिया। शुक्रवार को समंदर में मछली पकड़ने निकलने दोनों भाइयों के जाल में एक बड़ी सी घोल मछली फंस गई। दावा किया जा रहा है कि नीलामी के दौरान वो घोल मछली 5.5 लाख रुपए से में बिकी। बताया ये भी गया कि घोल मछली के जाल में फंसने की जानकारी मिलते ही समंदर किनारे खरीदारों की भीड़ जुड़ गई, जिसके बाद वहीं पर मछली की बोली लगाई गई, जिसमें एक खरीदार ने 5.5 लाख की बोली लगाकर घोल मछली खरीद ली। जो घोल मछली दोनों भाइयों के जाल में फंसी उसका वजन करीब 30 किलो था, यानी ये घोल मछली 18,000 रुपए प्रति किलो से भी ज्यादा महंगे दाम पर नीलाम हुई। बताया गया कि घोल मछली का इस्तेमाल दवा और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने में किया जाता है। सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, हांगकांग और जापान जैसे देशों में घोल मछली की भारी मांग है। गुरेज में मेजर कौस्तुभ राणे समेत 4 जवान आतंकियों से मुठभेड़ के समय शहीद हो गए। मेजर कौस्तुभ राणे महाराष्ट्र के थाने के मीरा रोड के रहने वाले थे। मेजर की शहादत की खबर के बाद उनके घर लोगों का आना जाना लगा है। मेजर के घर उनका पार्थिव शरीर आने का इंतजार है। मेजर कौस्तुभ के परिवार में माता पिता, छोटी बहन और उनका 2.5 साल का बच्चा है। परिवार गाँव जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी मेजर कौस्तुभ की शहादत की खबर से जिंदगी की थम सी गई। बहुत ही वेल डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट था, फोकस्ड था। उसका एक ही टारगेट था, गोल था कि उसको मिलिट्री में सर्व करना है। राज्यसभा में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के भाषण के दौरान TMC के सांसदों ने एक बार फिर हंगामा किया। राज्यसभा में अमित शाह कृषि और किसानों के मुद्दे पर सरकार की उपलब्धियां बता रहे थे, लेकिन उनके भाषण के बीच ही TMC के सांसद वेल में जाकर खड़े हो गए। हालांकि सभापति ने TMC सांसदों को ऐसे बर्ताव पर फटकार लगाई और उन्हें सीट पर जाकर बैठने को कहा, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। सदन में अमित शाह किसानों के विकास के लिए अपनाई गई केंद्र सरकार की नीतियों की जानकारी दे रहे थे। सरकार ने जो घोषणा करी किसानों की आय को दोगुना करेंगे, इसको सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं कहा। TMC सांसदों के वेल में जाकर हंगामा करने पर बीजेपी के सांसद और मंत्री भी भड़क गए। सर, व्हाट इज दिस सर, दे विल से एवरीथिंग एंड नॉट अलाउ अस टू स्पीक। इससे पहले भी NRC के मुद्दे पर दो बार अमित शाह के भाषण के दौरान राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ था। इस बार भी TMC सांसदों पर सभापति की चेतावनी का असर नहीं हुआ, लिहाजा सभापति ने राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी। यूपी के बरेली में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाथों में पोस्टर लेकर मार्च निकाला। ये लोग देवरिया के बालिका गृह की घटना के विरोध में सड़क पर उतरे और प्रदेश सरकार के खिलाफ इन लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। प्रदर्शन के समय इन लोगों ने पोस्टर ले रखे थे जिन पर सरकार विरोधी नारे लिखे थे। मार्च
मार्च निकालने के बाद ये लोग एक इलाके में पहुंचे, जहां इन्होंने मोमबत्तियां जलाकर बालिका गृह की पीड़ित लड़कियों को इंसाफ दिलाने की मांग की। मेरी उनसे मांग है कि या तो वो अपनी गद्दी छोड़े या जिन लोगों ने उन कन्याओं का साथ दुस्साहस करने का प्रयास किया है उनको सजा देने का कार्य करें। समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया कि अगर सरकार ने जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो वो उग्र प्रदर्शन करेंगे। चीन के एक सैनिक अड्डे पर कुछ वैज्ञानिक बड़े रॉकेट को छोड़ने वाले एक लॉन्चर को तैयार करने लगे। इस लॉन्चर से चीन ने मिसाइल रोकने वाले एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी भेद देने वाले आधुनिक विमान स्टारी स्काई 2 का परीक्षण किया, जिसके लिए क्रेन की मदद से लंबे बक्से जैसे लॉन्चर को तैयार किया गया। इसके बाद कुछ वैज्ञानिक एक रॉकेट की जांच करने लगे। जांच के बाद उसे लॉन्चर में डाल दिया गया। उस रॉकेट में स्टारी स्काई 2 नाम का विमान था, जो हाइपरसोनिक विमान है, यानी आवाज से कई गुना तेज उड़ने वाला विमान। उसके लॉन्च की पूरी तैयारी हो जाने के बाद लॉन्चर को परीक्षण के लिए खड़ा कर दिया गया। थोड़ी देर बाद लॉन्चर से आग और धुआं छोड़ता हुआ रॉकेट आसमान की तरफ उड़ गया। चीन ने अपने हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट का परीक्षण पूरी तरह से सफल रहने का दावा भी किया। चीन की सेना के पास जल्द ही हाइपरसोनिक विमान भी आ सकता है। CAAA यानी चाइना अकेडमी ऑफ एरोस्पेस एंड एरोडायनामिक्स ने एक हाइपरसोनिक विमान की सफल टेस्टिंग का दावा किया है, जिसके मुताबिक स्टारी स्काई 2 नाम के एक विमान का परीक्षण शुक्रवार को किया गया है। इसे रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया है और 10 मिनट बाद हवा में छोड़ दिया गया। ये विमान टेस्ट के दौरान करीब 30 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंचा। दावा किया जा रहा है कि ये विमान शॉक वेव यानी झटकों से पैदा होने वाली तरंगों पर चलता है, इसलिए इसे वेव राइडर भी कहा जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि चीन की एजेंसी के दावे के मुताबिक ये विमान दुनिया के किसी भी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भेदने में सक्षम है। स्टारी स्काई 2 को किसी भी रॉकेट से उड़ाया जा सकता है और ये न्यूक्लियर हथियार भी अपने साथ ले जा सकता है। लेकिन इस विमान को चीन की सेना के सुपुर्द किए जाने से पहले अभी कई टेस्ट किए जाने बाकी है। बिहार के समस्तीपुर में लोगों ने मुजफ्फरपुर रेप कांड के विरोध में हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर एक मार्च निकाला। समस्तीपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में लोगों ने इस घटना के विरोध में प्रदर्शन किया, जिसकी एक वानगी समस्तीपुर में भी देखने को मिली, जहां मुजफ्फरपुर रेप कांड के विरोध में आम लोगों ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में शामिल लोगों ने हाथों में तख्तियां ले रखी थी, जिन पर जस्टिस फॉर मुजफ्फरपुर लिखा था। मार्च के समय आगे चल रहे दो लोगों ने एक डंडे की मदद से रेप कांड के आरोपी ब्रजेश ठाकुर के पुतले को फांसी पर लटका रखा था, जिसे एक इलाके में पहुंचने के बाद इन लोगों ने जला दिया। ब्रजेश ठाकुर जो कि दोषी है उसको फांसी की सजा दी जाए, इसके लिए हम लोगों ने उन्हें फांसी पे लटका करके उनका पुतला दहन किया है। इस घटना को लेकर प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ भी अपने गुस्से का इजहार किया। हालांकि मुख्यमंत्री पहले ही इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दे चुके हैं, फिर लोगों की नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही। यही वजह है कि हाजीपुर में एक सामाजिक संगठन ने मुजफ्फरपुर रेप कांड के विरोध में मार्च निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। मार्च में शामिल महिलाओं ने हाथों में पोस्टर ले रखे थे, जिन पर पीड़ित लड़कियों को इंसाफ और आरोपी ब्रजेश ठाकुर को फांसी देने की मांग का जिक्र था। छोटे छोटे मछलियों को पकड़ के मामले को रफा दफा नहीं करे, बल्कि जो भी इसमें संलिप्त है सारे सफेद पोशों का नाम उजागर करे और उनको सजा दी जाए। इन लोगों ने रेप कांड की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाने की मांग भी की। ट्रेनों में गंदगी फैलाने से जुड़ा एक हैरान करने वाला आंकड़ा सामने आया है। यह आंकड़ा मुंबई लोकल की एक ऐसी लाइन से जुड़ा है जिसे देश में सबसे व्यस्त रेल रूट माना जाता है। ये वेस्टर्न रेलवे का चर्च गेट से दहानू तक पहुंचने वाला रूट है, जिस पर रोज करीब 35 लाख लोग सफर करते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इस अकेले रेल रूट पर रोज करीब 800 किलो कूड़ा बनता है। वेस्टर्न रेलवे को इस कूड़े की सफाई के लिए हर साल 6.5 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं, यानी रोज मुंबई लोकल की केवल एक लाइन की सफाई के लिए रेलवे को करीब 2.25 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। रेलवे के अधिकारियों का दावा है कि रोजाना बनने वाले कचरे में सबसे बड़ा हिस्सा प्लास्टिक की पानी की बोतलों का होता है, जो लोग पानी पीकर ट्रेन में फेंक देते हैं। न्यूज 18 इंडिया के कार्यक्रम बैठक में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मॉब लिंचिंग के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार माना, साथ ही बिना नाम लिए उन्होंने जयंत सिन्हा पर भी निशाना साधा। ये मॉब लिंचिंग शब्द का आविष्कार कब हुआ? 4 साल पहले कोई जानता ही था मॉब लिंचिंग होती क्या है। आज इस देश में ऐसा माहौल बना है कि उस पर चर्चा करने की इतनी खबर छपती है। आप किसी को पीट पीट के दिन दहाड़े मौत मार दीजिएगा, इतनी खबर बनती है, और उसको लोग माला पहनाते हैं, उन लोगों को लोग पुरस्कारित करते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती, वो छूट के आते हैं और फिर बाके भाषण देते हैं। इस देश में प्रगति, विकास, निवेश, रोजगार, किसान, कृषि, नौजवान, इनकी चर्चा नहीं हो रही है। मंदिर की, मस्जिद की, हिंदू की, मुसलमान की ये चर्चा हो रही है।
न्यूज 18 के कार्यक्रम बैठक में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भीड़ की हिंसा के मुद्दे पर कांग्रेस के हमलों का करारा जवाब दिया। उन्होंने गृह मंत्री राजनाथ सिंह के संसद में दिए बयान का हवाला देते हुए 1984 में सिखों के खिलाफ हुई हिंसा पर कांग्रेस से सफाई देने की मांग की। सबसे अधिक तो मॉब लिंचिंग हुई थी सिखों के साथ 84 में इंदिरा गांधी के दुर्भाग्यपूर्ण हत्या के बाद। किसने कहा था उस समय एक प्रधानमंत्री ने कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। आज तक कांग्रेस पार्टी ने माफी मांगा है। आज मैं आपके सामने कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता, लेकिन जो बड़ी बड़ी नसीहत हमें दी जाती है लिंचिंग पर, बड़ी बड़ी बातें की जाती है, तो मन करता है सवाल पूछ लें। मुंबई में महाराष्ट्र कर्मचारी संगठन के कई लोग राज्य सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर नारेबाजी करने लगे। सभी कर्मचारी सातवें वेतन आयोग को लागू करने समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन करने के लिए जुटे और नारेबाजी करते हुए राज्य की फडणवीस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि अपनी मांगों को लेकर उन्होंने कई बार सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलने की कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री ने उन्हें मिलने का वक्त नहीं दिया। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने 3 दिन के बंद का ऐलान किया और पहले ही दिन सरकार पर जल्द अपनी मांगों को मानने का दबाव बनाया। सेवंथ पे कमीशन के लिए और हमारी बहुत सारी जो मांगे हैं, जो वैकेंसीज राज्य सरकार में है, इसकी वजह से हमने ये स्ट्राइक किया है। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार से बकाया डीए देने की मांग भी की। 14-18 महीने का डीए इन्होंने दिया नहीं है। लास्ट टाइम जो सरकार थी उन्होंने भी हम लोग का डीए डुबाया है, इन्होंने दिया नहीं है, ये भी हमको चाहिए। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुरेज में शहीद हुए लांस नायक विक्रमजीत के घर अंबाला में गम का माहौल है। विक्रमजीत गुरेज में आतंकवादियों से मुठभेड़ के समय शहीद हो गए। बेटे के गम में डूबी विक्रमजीत की मां ने सरकार से अपील की कि उसकी गोद सूनी करने वालों का घाटी से सफाया होना चाहिए। विक्रमजीत की शादी को अभी 7 महीने ही हुए थे। बताया जा रहा है कि विक्रमजीत की पत्नी गर्भवती है, जो विक्रमजीत के जल्द छुट्टी पर आने का इंतजार कर रही थी। बस उग्रवादियों ने मेरा घर झाड़ दी, मेरा बच्चा जेल लिया, मेरे तो उग्रवाद से खत्म होना चाहिए, ये तो एक बीमारी है उग्रवादी। चुनाव आयोग की कोशिश है कि ईवीएम को सीधा आधार नंबर से ही जोड़ दिया जाए, जिसके लिए चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी का इंतजार है। चुनाव आयोग की योजना है कि ईवीएम को सीधा आधार नंबर से जोड़ दिया जाए, जिससे वोट डालने आए लोगों की पहचान की जरूरत ही खत्म हो जाए। आधार में दर्ज जानकारियों के तहत केवल बायोमेट्रिक्स से ही वोटर की पहचान हो जाएगी और वोट देने आए लोगों को दस्तावेज दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देश में करीब 87 करोड़ मतदाता हैं, जिनकी जानकारियां इस योजना को हरी झंडी मिलने के बाद ईवीएम से जोड़ दिया जाएगा। चुनाव आयोग इसमें 30 करोड़ मतदाताओं को आधार से जोड़ भी चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान योजना पर रोक लगा दी थी। चुनाव आयोग की बड़ी परेशानी यह है कि हर चुनाव से पहले मतदाताओं की सूची नए सिरे से तैयार करने में खासी मशक्कत करनी पड़ती है, जिस पर बड़ी संख्या में कर्मचारियों को भी लगाना पड़ता है और बाकी जो काफी जो पैसा है वो तो इसमें खर्च हो ही जाता है। न्यूज 18 इंडिया के कार्यक्रम बैठक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को करारी शिकस्त देने का दावा किया। मैं कहना चाहता हूं कि बंगाल के अंदर कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक नहीं, मगर हम संघर्ष करना चाहते हैं। हमारी पार्टी तो पैदा ही विपक्ष में रहकर हुई है, हमें बखूबी आता है जनता के साथ कैसे संपर्क बनाना। और आप मेरी बात याद रखना, जितने भी अत्याचार करने हैं कर ले, जब काउंटिंग हो 2019 के चुनाव का, भीन कर भारतीय जनता पार्टी की सीटें 22 से ज्यादा होगी, मैं कार्यक्रम पर डंके की चोट पर कहने के लिए तैयार हूँ, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 22 से ज्यादा सीटें। यही नहीं, अमित शाह ने मायावती के उस बयान पर भी हमला बोला, जिसमें बीएसपी अध्यक्ष ने देश में मजबूत नहीं मजबूर सरकार बनाने की बात कही। अभी मायावती जी ने अपनी सरकार कैसी बनेगी इसका परिचय किया था डिमांड के रूप। उन्होंने कहा देश को मजबूत सरकार नहीं चाहिए, मजबूर सरकार को तय करना है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मजबूत और देश को आगे बढ़े रहने वाली सरकार चाहिए या एक गठबंधन के नेतृत्व में मजबूर सरकार चाहिए। ये निर्णय देश की जनता को करने का। वो अभी से कहते हैं कि सरकार मजबूत नहीं होनी चाहिए, सरकार मजबूर होनी चाहिए जिसके सरकार को ब्लैकमेल कर अपने सारे कामकाज किए जाए। अब देश की जनता को तय करना है।
दिल्ली में जल बोर्ड ने सीवर की सफाई खास मशीनों से करवाने की तैयारी कर ली है। इसके लिए जल बोर्ड ने एक योजना तैयार की है जिसके मुताबिक खास मशीनों से सीवर की सफाई से जुड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन से की जाएगी। शुरुआत में 50 मशीनों के साथ एक सुपरवाइजर और 3 मजदूरों को काम में लगाया जाएगा, जबकि आने वाले समय में कुल 200 मशीनों को इस प्रोजेक्ट में जोड़ा जाएगा। दावा है कि 40 लाख कीमत की ये मशीन काफ़ी छोटी है, जिससे सीवर के साथ कम चौड़े नालों की सफाई भी आसानी से की जा सके। दिल्ली जल बोर्ड अपने कर्मचारियों को नई मशीनों से काम करने की ट्रेनिंग भी देगा और कर्मचारियों का बीमा भी करवाया जाएगा। एक दावे के मुताबिक पिछले एक दशक में सीवर की सफाई के दौरान 80 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जिससे सबक लेते हुए दिल्ली जल बोर्ड ने मशीनों से सीवर की सफाई करवाने का फैसला किया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक विमान पहाड़ पर जंगल में लगी आग पर गुलाबी केमिकल गिराने लगा। बीते 3 हफ्ते से इस जंगल में लगी ये आग करीब 3 लाख एकड़ में फैल गई, जिसके बाद उस पर काबू पाने की कोशिश करते हुए विमान से आग बुझाने वाला केमिकल गिराया गया। पहाड़ पर लगी आग किसी ज्वालामुखी के लावा की तरह धधकता दिखा। इस आग की वजह से इलाके की 1600 से ज्यादा इमारतें जलकर राख हो गईं। Wondering when I can get into my place, wondering when my mom's gonna be back home. It's been a nightmare. जंगल में फैली आग को बुझाने के लिए 14,000 से ज्यादा दमकल कर्मियों को लगाया गया। We'll be able to hopefully try to get this fire under control. आग की वजह से धू धू कर जल रहे मकानों पर पानी की बौछार की गई। कई इलाकों के जंगल में लगी आग कैलिफोर्निया के इतिहास की सबसे बड़ी आग बताई गई। इस आग की वजह से 2 लोगों के मौत की भी जानकारी है। जम्मू कश्मीर के त्राल में एक बार फिर आतंकियों ने पुलिस के एसपीओ को निशाना बनाया। आतंकियों ने एसपीओ आशिक हुसैन के घर में घुसकर उन्हें गोली मार दी। एसपीओ आशिक हुसैन को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पहले भी आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में कई एसपीओ को निशाना बनाया।